उाइल वी आर बेसिकली टॉक अबाउट इन्वेडर्स जब हम लोग बात करते हैं इन्वेडर्स की तो वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाई इन्वेडर्स ये बताइए वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन बाई इन्वेडर्स इन्वेडर्स मतलब क्या होता है जो लोग इन्वेट करते हैं अटैक करते हैं कहीं ना कहीं उसी को हम इन्वेडर बोलते हैं ना सो वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट सम इन इंडिया इन दिडेवल इंडिया जब हम मिडेवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं सो वी आर बेसिकलीइंग टू भी टॉकिंग अबाउट दैट कहीं ना कहीं हम लोग टेंथ सेंचुरी से देखेंगे टेंथ सेंचुरी की हम लोग बात करेंगे वील टॉक अबाउट द ट्वेल्थ सेंचुरी ऑल्सो दसवीं और बारहवीं जो सेंचुरीज हैं शताब्दी उसकी हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में क्लियर है इतना जय हिंद एवरी वन वेलकम श्रीकांत बख्श आशी वॉरियर एवरी वन बिल्कुल लुटेरे आप कह सकते हैं यू नो मोर दीपल हुई इंक्लूडेड द काफ़ी सारी चीजें हैं जो इंक्लूड हो जाती हैं सो यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर माइंड इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब यहां पे आप इस चीज को समझिए पहले तो कि जब भी हम लोग इस पूरे टॉपिक की बात करेंगे इसमें कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है देर आर अ फ्यू थिंग्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वट आर दोज फर्स्टली द क्रोनोलॉजी इज इंपॉर्टेंट सेकेंड थिंग इज अ फ्यू इवेंट्स विच आर एसोसिएटेड दे आर इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दैम चलिए ठीक है सो नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर नोट

अटैक आपको तभी कर पाएंगे कोई वेन यू आर वीक वेन यू हैव सर्टन वीकनेस अगर वीक होते हो तभी आप पे अटैक होता है एंड इन द सिमिलर फैशन लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग की बात है कुछ एट सेंचुरी की आज से मैं 11 1200 साल पुरानी आपको बात बता रहा हूं वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज को सो इफ यू टॉक अबाउट वै सी गोरी की हम बात करेंगे ना अभी अभी लेट स्टार्ट दिस टॉपिक चलो सो मैन आई टॉक दिस लेवल पे हम लोग कमजोर थे पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग डिसइंटीग्रेटेड थे पॉलिटिकल लेवल पे हम लोग थोड़े से बटे हुए थे अब आपस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा बात है आज से कुछ 1100, 1200 साल पुरानी सम 1100 हंड्रेड ट्वेल्व इन बैक की हम बात कर रहे हैं यहां पे तीन पावर्स हुआ करती थी इंडिया में वी हैड थ्री मेन पावर्स इन इंडिया एक थे पालास एक थे राष्ट्रकूटास और एक थे गुर्जरा प्रतिहारास वी हैड थ्री पावर्स इन इंडिया और इनकी जो स्ट्रगल होती है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल ये तीनों किसके लिए लड़ाई कर रहे थे ये लोग तीनों लड़ाई कर रहे थे कन्नौज को पाने के लिए ध्यान देखो मैप के अंदर मैप में देखो सारे लोग कन्नौज कन्नौज बहुत फर्टाइल एरिया था कन्नौज से बहुत रेवेन्यू मिला करता था

अब आपको एक चीज तो समझ आ गई होनी चाहिए कि जब भी कोई ट्राइप ट्राइप स्ट्रगल बोले या जब भी बोले कि कौन सी तीन थी जो आपस में लड़ रही थी तो आपको पता होना चाहिए पाला जो कि ईस्ट इंडिया में थे गुजरात प्रतियारा जो आज राजस्थान गुजरात में थे और साउथ में कौन सा राष्ट्रकूटास तो ये हम बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट एट हंड्रेड एडी की इतना समझ आया ना दिस इज वॉट वॉज हैपनिंग इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में तो ये चल रहा था आपस में सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे बाहर क्या चल रहा था दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अब देखिए ध्यान से वेन आई टेल यू दिस पर्टिकुलर थिंग हम लोग देखते हैं सफाविद डायनेस्टी है ठीक है नाउ यहाँ पे अबिफेट हुआ करता था यहाँ पर सम्मानित यहाँ पे छोटी छोटी ये पूरी डायनेस्टीज हुआ करती थी वी हैड डिफरेंट डायनेस्टीज इन ईस्ट नाउ ऑलवेज वन थिंग ये वो टाइम था यू नो इस्लाम वॉज ऑल्सोलिशिंग इट्स विंग्स ओवर देर इस्लाम जो है अपने आप को स्टेब्लिश कर रहा था एंड एट दैट टाइम ये सब लोग भी आपस में थोड़ी थोड़ी में रहते थे यू नो ऑल दीज वन जैसे अब्बासिद है कैलिफेट कैलिफेट हुआ करता था कैलिफेट मतलब क्या होता है सुन्नी कैलिफेट होते हैं वी टॉक अबाउट सुज हम लोग राशिद कैलिफेट की बात करते हैं एबसिट कैलिफेट की बात करते हैं तो कैलिफेट होते हैं इस लेक्चर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैलिफेट मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि कैलिफेट कहाँ पे है आज की डेट में आप देखते हैं ना पूरा ये सऊदी अरेबिया वगैरह यहां पे है कैलिफेट तो हम लोग क्या देख रहे थे कि इट वॉज गोइंग अंडर अ लॉट ऑफ पोलिटिकल डिस इंटीग्रेशन पोलिटिकल डिस इंटीग्रेशन वहां भी चल रही थी एंड एट द सेम टाइम इंडिया में भी कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन चल रही थी नाउ द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट कभी भी हम लोग इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन वॉज नॉट वेरी नॉर्मल इन द एंटायर वर्ल्ड सिचुएशन वॉज नॉट वेरी नॉर्मल एंड दैट दैट वॉज अ नॉर्म एट दैट टाइम क्लियर हुआ इतना सो so, अब यहां पे जब बात आ जाती है इस पर्टिकुलर चीज की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बन जाती है यहां पे दैट समथिंग वॉज अनयूजल एट दैट टाइम कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था जिसका किसी को भी अंदेशा नहीं था एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ यू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग उस समय हमारी जो स्थिति थी वो कैसी थी आई जस्ट ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर मैप ध्यान से देखिएगा इसमें आपको यहां तक आपको समझ आया मैंने जो आपको बताया मैंने आपको बताया इंडिया में वी हैव थ्री पावर्स आपस में फाइटिंग पाला गुजरा प्रत्यारह राष्ट्रपुट एंड इंटरनेशनली भी हम देखते मिडिल ईस्ट में काफी सारी ये चीजें चल रही थी नाउ इसके बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है उसको देखिएगा एक बार ध्यान से जो इंडिया है एज अ कंट्री वेन वी टॉक अबाउट इंडिया तो इंडिया हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रॉस्परस हमें मॉनसून का बहुत बड़ा एक वरदान प्राप्त है मॉनसून हमारे यहाँ पे होते हैं हमें अच्छी रेंज मिलती है हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है तो इंडिया के अंदर वैसे भी बहुत प्रॉस्पेरिटी थी इंडिया को सोने की चिड़िया भी इसलिए बोला जाता है एंड सबकी नज़र किस पे होती थी इंडिया पे होती थी सबकी नज़र किस पे होती थी इंडिया पे होती थी एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओवर एयर मान लो आप एक इन्वेडर हो या मान लो देर इज इन्वेडर चलो मैं आपको नहीं बोलूंगा एंड दे वॉन्ट टू इन्वेड इंडिया वो इंडिया में आना चाहते हैं वो लूटना चाहते हैं सो वॉट बेसिकली विल दे डू कैन दे कम थ्रू दिस पर्टिकुलर पार्ट अल्टीमेटली नॉट उस समय इतना नेवीज वगैरह का हमें वो चीज नहीं थी तो यहां पे ये वाला एरिया जो है वो तो हमारा वैसे ही सेफ हो गया क्योंकि यहां पे अरेबियन सी आ गया यहां पे बे ऑफ बंगाल आ गया अगर आपको एंटर करना है इंडिया में आप कहां से एंटर करोगे यहां से भी नहीं कर सकते यहां हिमालय हमें प्रोटेक्ट करता है अगर आपको एंटर करना है इंडिया में तो आप यहां से एंटर करोगे ये ये यह देखो यहां पर ठीक है यहाँ पे खाइबर पख्तुखा पूरा एरिया आता है यहां से कोई भी एंटर कर सकता है इंडिया में एंड दैट इज द बेसिक आइडिया वॉन्ट टू अटेम्प्ट टू एंटर इंडिया वो यहीं से एंटर करेगा जो मैंने यहाँ पे एरो दिखाई है और कहीं से एंटर नहीं कर सकते नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज है लुक एट दिस पर्टिकुलर सिनारियो मैं यहाँ पे एक मैप दिखा रहा हूं आपको और ये पूरा इंडिया एक तरह से बाउंड्री आपको दिख रही है अब यहां पे ध्यान से देखना वट आई एम शोइंग यू दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम बेसिकली शोइंग हिंदू कुश माउंटेन्स ये देखो यहां पे मैं जो राउंड कर रहा हूं ना ये क्या हिंदू कुश है ये क्या है हिंदू कुश आज तो पाकिस्तान में पहले इंडिया में होता हिंदू कुश है ये ना हिंदू कुश जो है अपने आप में वहां पे हमारे कुछ रूलर्स हुआ करते थे हिंदू कुश रूल जो एरिया है वहां पे हमारे रूलर्स हुआ करते थे जिनको हम बोलते हैं हिंदू शाही रूलर्स हिंदू शाही रूलर्स

दे हैव टू फाइट फर्स्टली विदुशाही रूलर हिंदुशाही रूलर्स को हराओगे तभी आप एंटर कर पाओगे नहीं तो आप एंटर नहीं कर पाओगे आपको बताया कि ओके इन द बिगेनिंग वी सॉ दैट इंडिया में वी हैड द ट्राइपट राइट सर्गल हमारे पास क्या था इंडिया में ट्राइप राइट सर्गल थी एंड एट द सेम टाइम हमने क्या चीज ऑब्जर्व की हमने ये ऑब्जर्व की दैट अल्टीमेटली मिडिल ईस्ट के अंदर भी वी सो लॉट ऑफ इश्यूज वर गोइंग ऑन काफी सारी दिक्कतें चल रही थी एंड फाइनली हमने देखा कि इंडिया में एक हमारे पास हिंदुशाही रूलर्स थे यहां तक अभी तक हमने देखा दैट इज द बेसिक वी हैव सीन टिल नाउ अब हम बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी जो है अब मैं पूरा बैकग्राउंड तैयार कर चुका हूं महमूद ऑफ गजनी के बारे में बताने के लिए सो लेट अस बेसिकली टॉक अबाउट महमूद ऑफ गजनी महमूद ऑफ गजनी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अबू मंसूर सबुक्त जिनके बारे में अबू मंसूर सबुक्त गिन वॉज अबू मंसूर सबुक्त गिन ही वॉज हिज फादर सबुक्त ऑफ महमूद ऑफ गजनी अब आप एक चीज पहले तो याद रखो कि गजनवी डायनेस्टी की जब ये बात करते हैं ना ये जो इनका पूरा वंश है उसको स्टार्ट करने वाला कौन है सबुक्त गिन है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड सबुक्त गिन जो है अल्टीमेटली उन्होंने क्या किया

साउथ ऑफ काबुल यू कैन सी गजना में क्या है का था. और क्या किया वहां पर हेडक्वार है, है गजना गजना क्या है गजना आज भी एक प्लेस है अफगानिस्तान में अगर आपने कभी न्यूज में सुना हो गजना समझ आया इतना सो नाउ वैपन्स इज गजना के अंदर जिनने अपने आपको स्टैब्लिश कर लिया एंड सबुक्त जिन बेसिकली वॉज नॉट एबल टू गिव बिग ब्लो टू इंडिया हम लोग जब भी इंडिया की बात करते तो उस गजना में उन्होंने अपने किया, उसके हमने क्या देखा नाइन नाइन सेवन एडी में नाइन नाइन सेवन ए डी में सबुक्त गिन डाइड सबुक्त जिन की मृत्यु हो जाती है नाइन नाइन सेवन एडी में एंड दैट पर्टिकुलर टाइम इज द टाइम

अब आपको इसका टाइम पीरियड तो समझ आ गया कि इट इज बेसिकली नाइन 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 टू वन जीरो जब भी हम लोग बात करते हैं महमूद ऑफ गजनी की सो so महमूद ऑफ गजनी को एक चीज के बारे में पता था एंड दैट पर्टिकुलर थिंग वॉज कि अगर मुझे इंडिया के ऊपर कैप्चर करना है अगर मुझे इंडिया को कैप्चर करना है सो so अल्टीमेटली मुझे क्या करना होगा मुझे हिंदू शाही रूलर्स को हराना होगा तो हिंदू शाही रूलर्स कहां थे अल्टीमेटली हमारे पेशावर के पास हिंदुशाही रूलर्स बैठते थे सो so, अल्टीमेटली अगर आपको इंडिया में कुछ भी करना है सो so यू हैव टू डिफीट हिंदुशाही रूलर्स और यू डोंट स्टैंड एनी चांस टू डू एनी थे बात तो क्लियर हो चुकी थी सबको सो नाउ दे ही वॉज रेडी टू टेक द चांस उन्होंने बोला कि मैं चांस लेने के लिए तैयार हूं तो हमने क्या देखा यहां पे यह मैं फिर से जो लाइन ड्रॉ करूं यहां से देखिए हिंदुशाही रूलर्स ये ये है पूरी लाइन हिंदुशाही रूलर्स की तो यहां हिंदू हिंदुशाही रूलर्स की जब भी हम लोग बात करते हैं हमेशा एक बात याद रखिएगा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैड अ वेरी ब्रेव रूलर हुज नेम वॉज जयपाला वी हैड अ हिंदुशाही रूलर जय पाला कौन था जयपाला अ हिंदू शाही रूलर जयपाला हिंदू शाही रूलर तो जयपाला जो था वो मिला युद्ध के मैदान में किससे गजनी से तो एक तरफ कौन था गजनी एक तरफ कौन था जयपाल और ये लोग कहां मिलते हैं ये लोग मिलते हैं पेशावर में दे मेट एट पेशावर इन वन जीरो जीरो वन एडी ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है हमेशा याद रखना इसको बोलते हैं बैटल ऑफ पेशावर तो बैटल ऑफ पेशावर जैसे ही लड़ी गई तो पेशावर की लड़ाई में कौन विक्ट्री को पाता है गजनी जो है वो जीत जाता है और जयपाला हार जाता है जयपाला हार गए और गजनी जीत गया अब यहां एक आपको बताना चाहूंगा मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि इंडिया में प्रॉब्लम थी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि आप सबको पता होना चाहिए प्रॉब्लम ये थी कि बाकी सब रूलर्स ये सोचते थे कि इंडिया को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हिंदुशाही की है हमारी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती थी प्रॉब्लम यही थी कि सब लोग पीछे हटे रहते थे हिंदुशाही बेचारे अकेले पड़ जाते थे जब भी कोई अटैक करता था सो दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम सो हमने क्या देखा बैटल ऑफ पेशावर हुई और जयपाला हार गए और उनको इतनी ह्यूमिलिएशन फील हुई कि उन्होंने अपने आप को जिंदा जला लिया सो एक बहुत सैड चीज है कि पाला ने अपने आप को जिंदा जला लिया इस बैटल के बाद एंड जया पाला डाइड सो so, पाला बैटल में नहीं मरे लेकिन उनको इतनी ज्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुई कि ही डाइड आफ्टर दिस बैटल उनकी मृत्यु हो गई इस बैटल के बाद अब प्रॉब्लम क्या हो गई जैसे ही जयापाला की मृत्यु हो गई तो हमारा जो फ्रंटियर था जिसको हिंदुशाही रूलर्स बचाया करते थे वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गया नाउ व्हाट बेसिकली इज कि जया का जो बेटा है जिसका नाम क्या था आनंद पाला जयपाला का बेटा आता है जिसका नाम है आनंद पाला आनंद पाल सो so जयपाल का बेटा आनंद पाल वो आते हैं लेकिन आनंद पाल इज नॉट कहीं ना कहीं इतने एफिशिएंट नहीं रह पाते एंड वही हम लोग देखते हैं दैट अल्टीमेटली ही वाज आल्सो नॉट एबल टू स्टॉप गजनी तो हमेशा ये बोला जाता है कि लास्ट एंड जो गजनी के लिए क्या था वो आनंद पाला था एंड जैसे ही हम देखते हैं कि कुछ साल बाद नेचुरल डेथ से उनकी मृत्यु हो जाती है और आनंद पाल की के बाद गजनी जो था वो ओपनली एंटर करने लगा इंडिया में। so, कि हमारी की धार कौन थे कब तो की बात कर रहा हूं रफली हम उस समय की बात कर रहे हैं आज से अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पुरानी बात कर रहे हैं हम लोग हम लोग बात कर रहे हैं

और गजना में वो बहुत सारी वेल्थ इंडिया से लूट के लेके गए, गजना में वो बहुत सारी वेल्थ लूट के लेके लेके गए, कहां कहां से ले गए? से जब कन्नौज को, को, को लूटा गया ग्वालियर तक को लूटा गया और सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी हम लोग बात करते हैं सोमनाथ टेम्पल जब भी हम लोग सोमनाथ टेम्पल की बात करते हैं ना

मा देव ही रूलर ऑफ काठविरा एंड इज फॉलोअर द प्लेस इतना ज्यादा बड़ा अटैक था कि भीमा देव को एस्केप करना पड़ गया दे वर नॉट एबल टू फेस द अटैक इज दर भीमा देव सो so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें इसलिए बन जाती हैं बिकॉज अल्टीमेटली यू नो वेन वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑल टूगेदर सो ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा कि कौन था रूलर बेसिकली तो भीमा वन या भीमा देव जो है रूलर थे एंड ही एस्केप दैट पर्टिकुलर टाइम

पूरी चीजें डिस्कस कर रहा हूं सो आई वॉन्ट टू गिव यू होलिस्टिक पिक्चर मैं आपको एक होलिस्टिक पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया रहे दैट वॉट एग्जैक्टली डू यू नीड टू नो अबाउट गजनी अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो ये है दैट अल्टीमेटली ओके ओके अब ध्यान से देखिए अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि गजनी वॉज अ इन्वेडर नो डाउट अबाउट इट गजनी एक इन्वेडर था

वी हैड एल हैड फिर वही हाकी एल बरूनी थे हमारे पास फिर दो थे और वही हाकी तो ये सभी कौन है ये स्कॉलर्स हैं जिनको किसने पेटर्नाइज़ किया पेटर्नाइज़ किसने किया गजनी ने पेटर्नाइज़ किया तो गजनी इन्वेडर था नो डाउट अबाउट इट बट एग्जाम में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है अलबरूनी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब लिखी थी अलबरूनी बरूनी रोट अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक विच इज नोन एज किताब इज नोन एज किताब उल हिंद सो so, इंडिया के ऊपर किताब लिखी गई है अलबरूनी के द्वारा जिसको बोला जाता है किताब उल हिंद ठीक है और फिरदौसी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है दैट पर्टिकुलरली नोन एज शाहनामा इसको अफगानिस्तान का महाभारत भी बोला जाता है शाह नामा तो so, फिरदौसी ने क्या लिखा है शाहनामा ाह नामा सो आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दिस थिंग कि काफ़ी सारी चीजें हैं काफी सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली ऑफ पीपल डोंट नो वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन तो आपको पता होना चाहिए कि एल बरुनी किसके टाइम का है गजनी के टाइम का वो इनके साथ ही इंडिया आए थे गजनी के साथ वो लोग इंडिया आए थे फिर दो इंडिया आए वह के इंडिया आए तो ये लोग किसके साथ इंडिया आए ये गजनी के साथ इंडिया आए और इन्होंने उस समय की हिस्ट्री भी लिखी सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट तो हिंद है किताबुलताब उल, उल हिंद जो मैं आपको बता रहा हूं ना हिंद इज दैट क्लियर सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑल टूगेदर क्लियर हुआ सो so, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज वाई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स अब एक चीज आप क्लियर कर लीजिए दिमाग में सी इट इज किताबुल हिंद नॉट तारीख हिंद ये किताबुल हिंद है जिसकी मैं बात कर रहा हूं ठीक है सो so, वही मैं बोल रहा हूं इसमें तारीख हिंद भी उसको बोल सकते हो तारीख हिंद भी उसको बोल सकते हो बट बेसिकली द रियल नेम इज किताबुल हिंद क्लियर हो गया सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग किताबुल हिंद बोलेंगे हम लोग उसको किताबुल हिंद क्लियर हो गया चलो नाउ यू नो दिस थिंग कि किताबुल हिंद लिखी थी यहां पर एलबरूनी ने अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको फोकस करिएगा हम लोग जब भी बात करते हैं ही इज डाइंग इन वन जीरो थ्री जीरो अब यहां पे बिफोर ए स्टार्ट विद मोहम्मद घोरी मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि गजनी वॉज नॉट अ एम्पायर बिल्डर एम्पायर बिल्डर और इन्वेडर में बहुत अंतर होता है जब भी आप एम्पायर बिल्डर की बात करोगे तो क्या हम देखते हैं एम्पायर बिल्डर के केस में वो यहां आएंगे वो यहां रुकेंगे और वो यहां कैप्चर करके एरिया को अपने रूल के अंडर रख लेंगे लेकिन जो इन्वेडर होता है वो आता है लूटता है और चला जाता है दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ हो लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट घोरी हम जब बात करते हैं मोहम्मद घोरी की तो इन इस शख्स में और गजनी में बहुत अंतर है ठीक है सो वेन अबाउट घोरी तो सबसे पहले तो आप एक चीज जान लो कि इनको क्या बोला जाता है इनको घोरी डायनेस्टी के थे इसलिए हम लोग मोहम्मद ऑफ घोर भी बोलते हैं घोर कहां पे अफगानिस्तान में फिर से घोर इज इन अफगानिस्तानी एंड ही वॉज बॉर्न अराउंड इलेवन फिफ्टी एंड बारह सो छ तक रहे सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद घोरी ठीक है नाउ प्लेस नोन एज घोर कहां पर अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में घोर नाम की एक जगह है वहां से ही बिलोंग करते थे नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जब भी हम लोग मोहम्मद घोरी की बात करते हैं ऑलवेज दिस की ही हेड एंड आई ऑन इंडिया वो क्या जाते थे वो इंडिया में आंख रख के बैठे हुए थे इंडिया क्लियरली clearly. वो क्लियरली इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे मतलब क्या मतलब ये नहीं कि वो इंडिया में से कोई चीज चोरी करके ले जाना चाहते थे वो इंडिया में अपने आप को इस्ट करना चाहते थे जब भी हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग की जो भी कैंपेन है तो इलेवन से 1176 में हमने देखा मुल्तान में इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे अपना दबदबा जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कहां पे मुल्तान जो आज का पाकिस्तान है उस एरिया से ये एंटर करने की इंडिया में कोशिश कर रहे थे गेटिंग इट वो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इंडिया में उस समय इंडिया में वी हैड वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हु वर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग इंडिया आपने कभी नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान का कितने लोगों ने नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान का बताइए मुझे एवर हर्ड पृथ्वीराज चौहान इलेवन so, 1178 एट ऑन वर्ड्स देखिए इलेवन सेवन एट ऑन वर्ड्स हमारे पास कौन थे चौहान्स थे चहमना भी बोलते हैं चौहान्स एंड स्पेशली कौन थे पृथ्वीराज चौहान 1178 सेवेंटी एट ऑनवर्ड पृथ्वीराज चौहान थे और ये हमेशा क्या करते थे ये प्रोटेक्ट करते थे बेसिकली हम क्या देखते हैं कि अजमेर से ये पूरा रूल किया करते थे दिल्ली वगैरह सारा इनके अंडर हुआ करता था एंड दैट इन सिर्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो मोहम्मद गोरी को ये बात पता थी कि इंडिया में कौन है पृथ्वीराज चौहान इंडिया में हमारे पास एक बहुत ही ब्रेव रूलर है हुज नेम इज पृथ्वीराज चौहान एंड ही न्यू दिस थिंग दैट इट इज नॉट ईजी टू टेक फाइट विद हिम ये इतना आसान नहीं होगा कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के साथ फाइट लें बट स्टिल ही वॉज एक्चुअली वेरी मच डिटर्मिंड कैन टेक अ फाइट विद दिस पर्टिकुलर पर्सन एनी वेज तो हम लोग क्या देखते हैं यह कौन है पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान 1178 से लेके 1192 तक हम देखते हैं इन्होंने रूल किया नॉर्थ इंडिया में इनका बहुत बड़ा दबदबा था एनी और एक तरफ हमारे पास थे मोहम्मद गौरी मोहम्मद गौरी अब मोहम्मद गोरी वगैरह जो हैं ये जब भी अटैक करेंगे सो अपनी जो आर्मी वगैरह हुआ करती थी तो उनको मोटिवेट करते थे रिलीजन के नाम पे भी मोटिवेट किया करते थे सो हमने देखा दे ऑल मेट इन अ बैटल एक बैटल में मिले ये लड़ाई में मिले युद्ध के मैदान में मिले इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तराइन क्या बोलते हैं हम लोग बैटल ऑफ तराइन सो जब हम बात करेंगे बैटल ऑफ तराइन की यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि बैटल ऑफ तरायंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ तराइंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती हैं बिकॉज इन्होंने भारत का रुख बदल के रख दिया इन्होंने भारत का रुख बदल के रख दिया सो एनी बडी विल टेल मी तरायन है कहां पर कैन एनी बडी टेल मी वेयर इज तरायन तरायन इज प्रेजेंटली इन हिमाचल हरियाणा तरायन बेसिकली कहा हरियाणा में है सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो आपको यह पता होना चाहिए कि हरियाणा में तरायन है इज इज प्रेजेंटली इन हरियाणा वैपन्स पहली बैटल में ये लोग मिले एक तरफ मोहम्मद गोरी की फौज थी एक तरफ पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज थी हाउ एवर मोहम्मद गोरी मोहम्मद गोरी वॉज बैडली डिफीटेड मोहम्मद गोरी को क्या किया गया बैडली डिफीट कर दिया गया किसके द्वारा पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इनको हराया गया सो ना दैट वॉज अ वेरी बिग ये एक बहुत बड़ी चीज थी कि उनको हरा दिया गया एंड फाइनली क्या करना चाहिए था एक चीज करनी चाहिए थी अल्टीमेटली उनको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था पृथ्वीराज चौहान को को मोहम्मद गोरी क्या कर देना चाहिए था खत्म कर देना चाहिए था लेकिन उन्होंने ये नहीं किया उन्होंने उसको जाने दिया तो मोहम्मद गोरी वापस चला गया और अब उसको इनकी वीकनेस वगैरह पता चल चुकी थी तो हमने क्या देखा अगले साल वो फिर से वापस आया 1192 में फिर से वापस आया एंड उसने सेकंड बैटल ऑफ तराइन के लिए इनको ललकारा बैटल ऑफ तराइन के लिए ललकारा और इन दिस बैटल अनफॉर्चुनेटली पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा एंड दैट वॉज द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल अब 1192 की बैटल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वाई इट इज सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इट लेड द फाउंडेशन ऑफ ले द फाउंडेशन ऑफ दिस मुस्लिम रूल इन इंडिया जो हम लोग बात करते हैं ना स्लेव डायनेस्टी जो हम लोग गुलाम वंश की बात करते हैं सो अल्टीमेटली जब हम गुलाम वंश की बात करते हैं सो दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ठीक है सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सिनारियो किस तरह से हम इस चीज को लेते हैं किस तरह से हम चीज को देखते हैं सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग इलेवन नाइनटी टू जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही न्यू बिगनिंग थी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि 1206 में स्लेव डायनेस्टीब्लिश हुई है लेकिन उसका एरिया जो था वो अपने ले चुके थे। जो थी, यहां पर उनकी कैपिटल थी और वो काफी एरिया अपने अंडर ले चुके थे उसके बाद क्या किया गया एलेवन नाइनटी इलेवन नाइनटी में जो कन्नौज है कन्नौज उसके पास एक जगह है चंदावर चंदा तो so, जो चंदा वार है वहां पे वी हैड अ रूलर से इसको मत करना, चंद्रा। और उसको किसने हराया घोरी ने उसको भी हराया और जैसे ही जै चंद्रा को हराया गया तो हमने क्या देखा इनका रूल यहां तक एक्सटेंड हो गया पूरा तो so, घुरिड एम्पायर है घुरिड एम्पायर ये काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया में स्टेब्लिश हो चुका था काफी ज्यादा नॉर्थ इंडिया में स्टैब्लिश हो चुका था एंड दैट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो सबसे पहले हमने क्या देखा हमने देखा फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन फिर सेकंड बैटल ऑफ तरायन फिर हमने क्या देखा जयचंदा को हराया गया 1194 में फोर में थ्री से ही कोशिश शुरू हो चुकी थी अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की गई जो मोहम्मद गोरी थे वो इंडिया में रहना नहीं चाहते थे सो व्हाट ही बेसिकली वांटेड ही वांटेड दैट आई विल गो बैक टू अफगानिस्तान और वो चाहते थे यहां पे मैं किसको छोड़ के जाऊंगा मैं यहां पे अपने कुछ स्लेव्स को छोड़ के जाऊंगा और वो मेरे लिए क्या करेंगे गवर्नर का काम करेंगे वो मेरे लिए गवर्नर का काम करेंगे सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दिस पर्टिकुलर एरिया जो इंडिया का एरिया वो किसके पास दे दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया गया कुतुब उद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया गया और वो आराम से वापस चले गए कहां अफगानिस्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या किए बाद में जब 1206 में गोरी की मृत्यु होती है 1206 सो छ में वेन गोरी डाइड सो कुतुब्दीन एबक स्टैब्लिश अस्लेव डायनेस्टी जिसको आप किस नाम से जानते हो बेसिकली दिल्ली सल्तनत वो किसी और लेक्चर में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी किसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखी आया समझ सो दैट इन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू सी टेंट फॉर टू नो दैट ऐसा क्या था कि राजपूत हार गए राजपूत अगर हारे हैं तो कुछ तो कारण रहा होगा so that's a very important you should always know. हमेशा ऑफ तराइन के बाद फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद किसको माफ कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को वापिस जाने दिया था वो एक बहुत बड़ी ब्लेंडर थी गोरी को आपको वापिस नहीं जाने दिया जाना था या तो उसको क्या बनाते बंदी बना लेते प्रिजनर बनाते या फिर उसको मार देते लेकिन आपने वापस जाने दिया अब हमेशा याद रखिएगा जो राजपूत है जब भी लड़ाई करते थे तो ये धर्म युद्ध को फॉलो करते थे धर्म युद्ध धर्म युद्ध सो युद्ध ये बोलता है कि कभी निहत्ते पे वार मत करो कभी किसी के पीठ पे वार मत करो कभी बच्चों पे वार मत करो लेडीज पे वार मत करो सुबह से शाम तक बैटल लड़ो रात को मत लड़ो ये सब चीजें बोलते थे तो धर्मयुद्ध के हिसाब से इन्होंने क्या किया इन्होंने आराम से माफ कर दिया उसको लेकिन जब उन्होंने माफ कर दिया तो उसी ने अगले साल आके उनकी पीठ में छुरा भोपा समझ आया आपको इतना सो आप समझ पा रहे हो कि क्यों अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान हारे क्योंकि अल्टीमेटली ये याद रखिएगा इट वॉज इलेवन नाइनटी टू की बैटल ओनली जिसके बाद फाउंडेशन रखी गई है रूल की फाउंडेशन कहीं ना कहीं रखी गई है बाद में दिल्ली सल्तनत बनी है 1206 में लेकिन उसकी फाउंडेशन यहीं पे तैयार हो गई थी सो आज की क्लास में हमने क्या सीखा आज की क्लास हमने सीखा कि हिंदू शाही रूलर्स थे हमारे और हिंदू शाही रूलर्स बेचारे अकेले लड़ते रहे उनकी किसी ने हेल्प नहीं की और वो हार गए जयपाल को देखा हमने बेचारे की मृत्यु हो गई आनंद पाल जो है वो चले गए उसके बाद हमने देखा कि मोहम्मद गजनी तो खत्म हो गया महमूद अफ गजनी खत्म हो गया लेकिन हमारे हिंदू शाही रूलर्स की जाने की वजह से हमारे डिफेंसिस कमजोर हो गए और उस कमजोरी का फायदा बाद में जाके गोरी ने लिया और गोरी ने पहले मुल्तान में अटैक करते 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 एंटर करके क्या किया पृथ्वीरा चौहान के ऊपर अटैक किया उसके बाद दोबारा अटैक किया उसके बाद वो फैलते फैलते कहां तक चला गया कन्नौज तक चला गया जयचंद्र को हमने देखा सो दैट इन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये हमें हमेशा याद रहना चाहिए कि ये हमारी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी गलतियां हैं देखिए खोखर जब हम बात करते हैं ना ही स्किल्ड बाय खोखर क्लियर सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनको किसने मारा था पृथ्वीराज चौहान 1192 में नहीं मरे ठीक है पृथ्वीराज चौहान 1192 में नहीं मरे हैं क्लियर हो गया सो so, अल्टीमेटली ये बात हमेशा याद रखेगा दैट वेन एवर वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दिस ओवरऑल सिलैरियो तो पृथ्वीराज चौहान की डेथ भी एक वही मैं बता रहा हूं ना आपको इट्स नॉट वेरी मच क्लियर सम पीपल से दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज ब्लाइंडेड उसके बाद मरे उसके ही लोग कहते हैं अलग चीज तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि अल्टीमेटली वॉट इज इंपॉर्टेंट इज असैसनेशन ऑफ गोरी जो गोरी है उसको किसने मारा था गोरी वॉज किल्ड इन ट्वेल्व जीरो सिक्स एंड गोरी को मारा था रामलाल खोखर ने बेसिकली खोखर की जब हम बात करते हैं ना खोखर सो ही किल्ड दिस पर्टिकुलर पर्सन गोरी क्लियर हो गया इतना आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू खोखर बस इतना याद रख लो खोखर सो खोखर किल्ड है खोखर किल्ड इन ट्वेल्व जीरो सिक्स बारह सौ छह में खोखर ने मार दिया था गोरी को आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू देखो इसमें कई सारी कहानियां होती हैं अब जैसे बाद में हमने देखा मलिक मोहम्मद जैसी ने किताब लिखी पृथ्वीराज रासो तो वो अपने वर्जन देंगे टिंग इट्स इंपोर्टेंट रामलाल खोकर इतना याद रखिएगा so, जब भी हम लोग बात करते मलिक मोहम्मद जैसी तो वो कुछ भी अगर लिखेंगे तो वो लिखेंगे में जाके. तो सो, चार सौ साल का गैप आ जाता है तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है पदमावत भी उन्होंने लिखी थी ना सो so, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तीन सो साल का गैप पड़ जाता है एनी वेज ट इज फाइन टू ऑल ऑफ यू इज दट के जो बात की दोनों के बारे में सो एव टोल्ड यू ऑल द इम्पोर्ट विच यू नीड टू नो फॉर द एग्जामिनेशन पर्स्पेक्टिव खोखर वॉज द वन हु किल्ड घोरी ठीक है सो मोहम्मद घोरी की बात करते हैं तो वो उनको किसने मारा उनको मारा है खोखर ने असैसिनेशन हुई थी एक असेसिनेशन की गई थी इनकी और खोखर ने उनको मार दिया था इन फैक्ट देर uh, वॉज th अ विलेज नियर रावलपिंडी पाकिस्तान द मैक एक विलेज है वहां पे उनको मारा गया था उस समय एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग खोखर ठीक है सो दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग देखो मैं वही बता रहा हूं ना आपको पृथ्वीराज चौहान की जब हम बात करते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें हैं कि कब डेथ हुई बेसिकली सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि उनका रूल खत्म हो गया इलेवन में बस इतना आप जान लो अब उनकी डेथ इलेवन में नाइन्टी फोर में वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्लियर हो गया उनका 92 में रूल खत्म हो गया बस इतना जान लो दैट्स फाइन और दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बिकॉज हमारे पास काफी वर्जन होते हैं ना हिस्ट्री में इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सम पीपल से में दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू पता चल गया सबको मोहम्मद गोरी की मृत्यु कैसे हुई बारह में खोखर ने उनको मार दिया था 1206 में डेथ हुई थी गोरी की बस इतना जान लो और उनकी डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना की कुतुब्दीन ऐबक ने वो हम किसी और लेक्चर में देख लेंगे चलिए थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस Now we talk about a very interesting thing. That basic thing is about the CDS course. As you all know, it is a 120 days proper course, and it has got PDFs for last minute revisions. It has got weekly test and help for SSB interview as well. You will get live classes, study notes, chapter quiz, weekly test, and we are the faculties. That's me, Akash, and for GS, Ankush Gaba sir again for General Studies, and sharad sir also for General Studies. For English, we have got Vikrant sir, as well as Naveen, sir. Extensive experience. And for maths, we have got Vikas here, yes, sir. Clear. So always remember one thing that you have to prep smart and score better. I hope you like the lecture. I hope you gained something from the lecture. And that is what the main idea was of the lecture. Thank you so much. Have a great day. Keep studying well, everyone.